नमस्कार, एपी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। गृह कलह, घर के झगड़े झंझट, परेशानी से कभी भी आत्महत्या मत करना। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। सास बहू को बेटी और बहू सास को माँ समझे तो गृहस्थ जीवन स्वर्ग जैसा बन सकता है। इस अनमोल मानव जीवन के महत्व को, इसके असली उद्देश्य को लोक परलोक दोनों बनाने वाले इस समय के पूरे महापुरुष उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 7 जनवरी 2022 को देवास में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव UKM पर प्रसारित संदेश में बताया कि समय से बच्चे और बच्चियों की शादी ब्याह कर दो, उनको ना खोजना पड़े। गृहस्थ धर्म का जब से लोगों ने पालन करना छोड़ा, परेशानी आ गई। जब एक दूसरे की इच्छा पूरी करोगे तब यही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा रहेगा। आप भी सुनिए महाराज जी द्वारा बताया गया गृहस्थ आश्रम को सुखी बनाने के सूत्र। लड़के हों चाहे लड़कियां, समय से उनका शादी ब्याह कर देना यह गृहस्थ का धर्म होता है। गृहस्थ धर्म का पालन जब से लोगों ने छोड़ा तब से देखो परेशानी आ गई। जेल भी जाना पड़ जाता है जब समय पर शादी ब्याह नहीं होता है। बच्चे और बच्चियां अपने मन का पसंद करके कर लेते हैं तो उनको तो जीवन का अनुभव होता नहीं, निभता ही नहीं, 2 महीना भी नहीं बीतता है और तलाक के, दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं। तो अब आप ये सोचो कि एक लड़के की शादी तो करनी ही करनी रहती है आपको। 18 साल, 20 साल, 25 साल कर दो मैक्सिमम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 30 के अंदर तो अब कर ही देते हैं सब लोग, इससे ज़्यादा तो बढ़ने नहीं चाहिए। 30 के बाद क्या होता है, कहा ब्याह की इच्छा उठे मन में तब 18, 20, 25 में कीजिए और 30 वय पर खीस वय और 40, 50 में नाम न लीजिए। तो अब आप ये समझो कि पीला तो हाथ करना ही है, भेजना तो है ही, चाहे आज के रीति रिवाज से ही माला पहना करके और डोली में बिठाने के बजाय कार में बिठा दो तो विदा तो करना ही करना है। तो उसका साथ तो इतना दिन करा और बहू को जो लाए वो तो पूरी जिंदगी रहेगी। बेटी जो है वो एक गिलास पानी पिला दिया खुश हो गई, रोटी खिला दिया खुश हो गई, सिर में दर्द था दबा दिया, हाथ पैर दबा दिया, नहीं समझो। लेकिन ये तो पूरी जिंदगी सेवा करेगी तो क्यों नहीं उसको अपनी बेटी मान लेते हो। जो आप बैठी हो सास लोग उसको बेटी क्यों नहीं मान लेती हो आप? तो यही समझो कि एक बेटी को मैंने दे दिया दूसरे को और दूसरे की बेटी को मैं ले आया, यही मेरी बेटी है। और बच्चियों जो आप बैठी हो जिनकी शादी होनी है या हो गई है, बहू जो आप घर में बैठी हो आप उसको माँ मान लो। तो जैसे माँ की इच्छा बेटी पूरी करती है और बेटी की इच्छा माँ पूरी करती है। जब बेटी कहते हैं कि आज हम यानी रस वाली सब्जी खाएंगे, माँ की इच्छा है सूखी खा ले, लेकिन कहती नहीं माँ आज रस वाले बना ले, अच्छा बना ले। कभी माँ कहती है कि आप थोड़ा पका देना चावल को ठीक से, दांत में दर्द होने लगता है, कड़ा चावल खाती हूँ तो वो कड़ा ही खाती हो लड़की, लेकिन इच्छा उसकी पूरी कर देती है। ऐसे दूसरे की इच्छा जब पूरी करोगी तब यही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा रहे।